विद्यार्थियों, आज हम मछलीघर व तालाब पारितंत्र के बारे में जानकारी लेंगे, एक्वेरियम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। ये दोनों सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें किस प्रकार स्थायित्व में अंतर है और क्यों अधिक स्थायी है, कैसे इकोसिस्टम अधिक स्थायी बनता है, इसमें किस प्रकार जीव में अंतर्क्रिया होती है, इसका जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन एक्वेरियम के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक एक्वेरियम जो अपन ने अक्सर घरों में, दुकानों में और बड़े संस्थानों में देखने को मिलता है कि एक रिसेप्शन पे या मानव द्वारा निर्मित एक छोटा सा पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। इसमें मछलियों को बाहर से प्रवेश कराया जाता है तो वो एक उपभोक्ता के रूप में होती है। उपभोक्ता, जब हम जानते हैं कि इनको ऑक्सीजन व खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होगी, इसके लिए प्रोड्यूसर के रूप में बाहर से हम उत्पादकों के रूप में वनस्पतियों को मछलीघर में डालते हैं। इस रूप में वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम, हाइड्रिला जैसे जलीय पादप जो है एक्वेरियम की शोभा बढ़ाते हैं। ये मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। सूर्य की रोशनी या कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जल व इसमें उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से और CO2 जो है इनको मछलियों के श्वसन से प्राप्त होती है। ये पौधे स्वयं भी श्वसन से CO2 उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे अधिक गुना में CO2 वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम में लेते हैं। बड़ी वनस्पतियों के अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म शिवाल भी जल में उत्पादकों की तरह पाए जाते हैं, जिनको हम प्लैंकटन कहते हैं, जो मछलियों का आहार बनते हैं। उपभोक्ता के रूप में हम जानते हैं कि मछलियां अनेक प्रकार की हो सकती है। इसके अलावा इसमें अनेक अन्य उपभोक्ता भी मछलीघर में पनपते हैं, जैसे डेफनिया, साइक्लोप्स, हाइड्रिला ऐसे जंतु होते हैं जो प्लावकों का भोजन करते हैं, फाइटोप्लैंकटन का भोजन करते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। घोंगे भी हो सकते हैं। डेफनिया का भक्षण करने वाली द्वितीयक उपभोक्ता मछलियां भी हो सकती है। मच्छरों के लार्वा भी इस एक्वेरियम में पाए जा सकते हैं। इस प्रकार एक जीव तंत्र स्थापित होता है। अपघटक के रूप में शैवाल व पादप, शैवाल व बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो एक्सर्टा ऑफ फिशेज है या मर्त जो वेजिटेबल्स है, जंतु है, उनको डिकम्पोजर करने के लिए अपघटक पैदा होते हैं। अपघटकों के कारण ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। इसका अन्य उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है, अतः इसमें निरंतर ऑक्सीजन को एरेटर द्वारा पहुंचाई जाती है।
और ये प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार के जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको इकट्ठा ना होने दिया जाए ताकि अपघटक की क्रिया नियंत्रित रहे। अब अपन ये देखते हैं कि हरे पौधे उत्पादक के रूप में हो गए, मछलियाँ उपभोक्ता के रूप में हो गई और अपघटक मर्द पदार्थ पर डिकम्पोजर के रूप में काम करने के लिए हो गए। तो इस तरीके से एक जैविक तंत्र बना। इसकी विशेषता ये होती है कि ये इसको अपन को स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ये स्थायी नहीं होता है, छोटा होता है। परिस्थितियाँ, जलवायु परिस्थितियाँ, कारक, ऑक्सीजन की उपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति आदि सभी घटक कुछ मात्रा में अधिक होने पर दूसरे को अत्यधिक प्रभावित करते हैं तथा इस तंत्र के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये सेल्फ नियंत्रित, स्व नियंत्रित, सेल्फ कंट्रोलिंग बॉडी के रूप में कार्य नहीं कर पाता है, स्थायी नहीं होता है, छोटा होता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक्वेरियम एक छोटा इकोसिस्टम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा, तापमान, दाब आदि जलवायु घटक भी एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। निरंतर वनस्पति के लिए या मछलियों के लिए फूड अलग से भी उपलब्ध कराया जाता है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि मछली घर जो है, एक्वेरियम जो है, इसमें छोटे आकार के कारण व अन्य जो इकोसिस्टम है उसके कटे होने के कारण अत्यंत ही संवेदनशील इकोसिस्टम होता है। इसमें आने वाले परिवर्तन उनके जैविक घटकों की तीव्रता से प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः यदि अपन देखें कि पानी बदलने पर यदि नल का क्लोरीन युक्त अपन ने पानी काम में लिया तो ये हो जाएगा कि इसके अंदर जो मछलियां हैं वो उनकी मृत्यु हो सकती है। इसके विपरीत यदि पानी लंबे समय तक न बदला जाए तो भी पादप व इसके अंदर जो जीव होते हैं उनके या निरंतर अधिक भोजन डालने पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें बढ़ती जाएगी, परिणाम स्वरूप माइक्रोब्स डिकम्पोजर अत्यधिक मात्रा में पैदा होंगे, वे कार्बनिक पदार्थों का पाचन करेंगे तो ऑक्सीजन खपत बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, अतः सूक्ष्म जीव अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं से प्रतिस्पर्धा करेंगे और उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी। इस प्रकार अधिक जिनको ऑक्सीजन चाहिए उन मछलियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो निरंतर हमें तापमान व पीएच बदलने की आवश्यकता होती है। जल में अधिक मात्रा में यदि पोषक पदार्थ सम्मिलित होते हैं तो उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन सुपोषण मर्द मछलियों को निरंतर जो है मछली घर से निकालना आवश्यक होता है। यदि यूट्रोफिकेशन ज़्यादा होता है तो इसमें स्वच्छता घटती है, टर्बिडिटी बढ़ती है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, कम गहराई तक प्रवेश करता है, परिणाम स्वरूप कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधों की मृत्यु भी होती है, ऑक्सीजन की कमी और CO2 में वृद्धि होती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये होती है
कि एक्वेरियम में जो अन्य बातें हैं उनको अपन विस्तृत रूप से यदि देखें तो इसका आकार जो है छोटा होता है, स्थायित्व कम होता है, जीव विविधता जीवों की जातियों की संख्या कम पाई जाती है, खाद्य स्तर विस्तृत नहीं होते कम होते हैं, इनमें परस्पर आत्मनिर्भरता कम पाई जाती है, सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं है, बाहरी कारकों पर निर्भर रहते हैं या बाहर से नियंत्रित करना जरूरी होता है, अनेक संसाधनों को धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है और इसकी उत्पत्ति भी मानव निर्मित होती है, समनियंत्रित नहीं होता है। तो इस प्रकार एक एक्वेरियम को अपन छोटा, संवेदनशील एवं स्वयं नियंत्रित नहीं होने वाला पारितंत्र के रूप में जानते हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम का एक मॉडल जरूर अपन इसमें देखते हैं। यदि इसी का अपन विस्तृत रूप देखना चाहें तो अपन ये चीज़ पॉन्ड इकोसिस्टम में देख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है। इसमें मछलियों की जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो कि इसको आत्मनिर्भर बनाती है। इसमें विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने वाली समस्त जातियां उपस्थित होती है। इस अवधारणा को एक सरल उदाहरण से अपन देख सकते हैं, जैसे कि एक साधारण रूप से अपन ये मान सकते हैं कि एक किसी गांव में सभी प्रकार के हुनरमंद लोग उपस्थित हैं, बड़े है, कुम्हार है, सुनार है, दर्जी है, नाई है, कृषि औजार ठीक करने वाले हैं, पशु चिकित्सक है, मानव चिकित्सक है। तो इस रूप में वो एक स्थायी रूप से यूनिट के रूप में काम करेगा और अन्य कामों पर उसकी निर्भरता कम होगी। इसी तरीके से अपन इकोसिस्टम को देखें तो जैव विविधता अधिक पाए जाने के कारण और स्थायी परितंत्र पाए जाने के कारण, विस्तृत होने के कारण स्थायी इकोसिस्टम बनता है और यह स्वयं नियंत्रित भी होता है। किसी एक कारक की यदि कमी हो जाती है तो दूसरे की मात्रा बढ़ के उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है और इसमें पोषकों का चक्रण जो है तुलनात्मक दृष्टि से अधिक बेहतर होता है। अपन थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि तालाब और झील में क्या अंतर है। तालाब को अपन ये कह सकते हैं कि एक निश्चित गहराई तक का क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश जो है पहुँचता है समान रूप से, लेकिन झील जो है उसमें एक ऐसा क्षेत्र भी पाया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, उसको प्रोफाउंडल रीजन कहते हैं और उसमें वनस्पति व अन्य पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थिति अलग प्रकार की होगी। इस प्रकार ये एक अंतर पाया जाता है दोनों में कि झील में एक प्रोफाउंडल क्षेत्र पाया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। यदि तालाब का अपन अध्ययन करें तो उसमें देखते हैं कि अजैविक घटक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, डिजोल्व ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के सोडियम, फॉस्फोरस, साल्ट पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन से प्राप्त होती है जो सूर्य के प्रकाश के अभाव में श्वसन कर CO2 उत्पन्न करते हैं। उत्पादक भी, पौधे भी
इस प्रकार दो तरीके से CO2 पौधों के लिए उपलब्ध होती है, लेकिन इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक मात्रा में CO2 की आवश्यकता रहती है। यदि उत्पादक नहीं पाए जाएंगे जल तंत्र में तो CO2 की मात्रा बढ़ती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और जल की अम्लता भी बढ़ती है। सामान्यतः जल में उपस्थित कार्बोनेट बफर क्रिया द्वारा जल में CO2 के कारण आए pH उतार चढ़ाव को रोकते हैं। जल में उपस्थित विलयन ऑक्सीजन जल का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि इसकी मात्रा ही उपभोक्ताओं के जीवन को नियंत्रित करती है, एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि स्थलीय पारितंत्र की तुलना में जल में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तापमान बढ़ने, लवणता बढ़ने पर विलयन ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। जल में ऑक्सीजन उत्पादकों के प्रकाश संश्लेषण वातावरण की ऑक्सीजन से सम्मिलित होती है, अतः सतह पर निरंतर लहरें चलने पर उसमें ऑक्सीजन घुलती रहती है और वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। बहते हुए जल में भी ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ट्राउट मछली होती है वो बहते हुए नहरों व स्रोतों में पाई जाती है, क्योंकि उसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बोनेट जल के महत्वपूर्ण आयन हैं। ये जल की अम्लता को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। जल के पोषक स्तर का अनुमान भी कार्बोनेट लगाते हैं। इसी प्रकार कार्बनिक पदार्थ के रूप में अनेक प्रकार कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो अपघटन भी पैदा करते हैं। जल में मल व अपघटन के फलस्वरूप आए इन उत्पादों में अमीनो अम्ल, शर्कराएँ, विभिन्न प्रकार के अम्ल, कुछ अन्य व्युत्पन्न पाए जाते हैं। और जलवायु के रूप में अपन जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण घटक, जैसा कि अपन देख चुके हैं, एक कार्बनिक पदार्थ व ऑक्सीजन, उसके अलावा ताप, दाब आदि महत्वपूर्ण कारक हैं जो पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा। तालाब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य ही है। उत्पादक सौर ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन के साथ बंध बनाकर शर्करा का निर्माण करते हैं। सर्वपोषी जीव अन्य समस्त आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे जल, लवण, CO2 आदि अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। अन्य उपभोक्ता इसी ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं का पोषण करते हैं। वे उत्पादकों द्वारा बनाए गए बंधों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा ही नहीं वरने अनेक आवश्यक अमीनो अम्ल, वसा अम्ल भी प्राप्त होते हैं जो उत्पादकों से भी प्राप्त होते हैं। तालाब के अपमार्जक व मांसाहारी जंतु भी ऊर्जा के लिए अंततः सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर है। जैविक घटक के रूप में अपन मानते हैं कि तालाब के अंदर उत्पादक के रूप में निगमन सबमर्ज्ड पादप, फ्लोटिंग पादप और इमर्जेंट पादप पाए जाते हैं। निर्गमन जो जल के नीचे पाए जाते हैं, फ्लोटिंग जो जल पर तैरते हैं, और निर्गत पादप जो जड़ों के द्वारा जल के बाहर निकले रहते हैं और भूमि में स्थिर जड़ों के द्वारा स्थिर रहते हैं।
अपन ये देखते हैं कि तालाब के अंदर उत्पादकों की जैव विविधता अधिक होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के उत्पादक न सिर्फ विभिन्न परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं वरने विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को पनपने का अवसर प्रदान करते हैं। इस महत्वपूर्ण रूप से यह है कि ये पादप जो है सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक ऊर्जा में निर्मित करते हैं, साथ ही जीवों को छिपने, चिपकने, आराम करने का स्थान भी उपलब्ध कराते हैं, नीड बनाने का स्थान भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे जलीय पक्षी जिसाना पक्षी जो तैरती हुई वनस्पतियों पर अपना घोंसला बनाता है तो उनके लिए भी ये स्थान उपलब्ध कराते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम की वनस्पतियों की विभिन्नता के कारण हर प्रकार की परिस्थिति में उत्पादक उपलब्ध रहते हैं। उदाहरण तक किसी स्थान पर यदि तालाब का जल स्तर तेजी से बदलता है तो वहाँ जड़ पकड़ने वाली वनस्पति शीघ्र ही डूब जाएगी, परंतु प्लवन करती हुई वनस्पति यहाँ उत्पादन का कार्य जारी रखेगी। गहरे शांत जलों में निगमन वनस्पतियाँ भी पाई जाएगी, यहाँ जल की टर्बिडिटी कम होती है। जिन जलों में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ कीट पक्षी या मांस पक्षी पादप भी पाए जाते हैं। ये पादप अपने भोजन की सारी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण पूर्ण करते हैं, परंतु नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए इनमें छोटे कीटों का भक्षण करने हेतु अनुकूलन मिलता है, जैसे कि ब्लेडरवर्ट, यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा, पिक्चर प्लांट, निपेंथीस, डायोनिया। उपभोक्ताओं के रूप में प्लैंकटन, नेक्टन, न्यूस्टन, बेंथोस व दूसरे आगंतुक उपभोक्ता हो सकते हैं। प्लैंकटन या प्लवक वे जीव हैं जो जल के साथ प्रवाह करते हुए बहते रहते हैं, अतः इनमें गमन की सीमित या अनुपस्थित होती है क्षमता। फाइटोप्लैंकटन या जू प्लैंकटन हो सकते हैं। फाइटोप्लैंकटन उत्पादक होंगे तो जू प्लैंकटन जो है वो उपभोक्ता के रूप में पहचाने जाएंगे, जिन्हें यूग्लिना, पैरामीशियम, क्रिस्टेशियन, सिलेंट्रेट व बड़े जंतु के लार्वा इसमें पाए जाते हैं। बड़े जंतुओं का ये भोजन के रूप में प्रयुक्त भी हो सकते हैं। नेक्टन वो उपभोक्ता होंगे जो जल में तैरने वाले जंतु नेक्टन कहलाएंगे। कौन कौन? जैसे कि फिशेस है, मेंढक, कछुए आदि अनेक प्रकार के जो दूसरे इंसेक्ट है वो सभी मिलकर नेक्टन कहलाएंगे, यानी जो जल में तैरते रहते हैं जीव वो सभी नेक्टन कहलाएंगे। न्यूस्टन जल की सतह पर चलने में तैरने वाले जंतु न्यूस्टन कहलाते हैं, सतह पर तैरने वाले। बेंथोस जो जल के पेंदे में पाए जाने वाले उपभोक्ता होते हैं उसको बेंथोस कहते हैं। कुछ आगंतुक उपभोक्ता होते हैं जो कुछ समय के लिए उस तालाब में क्षेत्र में आते हैं और उपभोक्ता के रूप में अपना भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पक्षी है, विभिन्न प्रकार के बुगले हैं, स्टोर के बतख हैं, कुछ स्तनी जीव है जैसे कि उदबिलाव, सरीसृप जैसे कि अकबर है, अजगर है, स्नेक है, इस प्रकार के अनेक जीव भी हो सकते हैं। अपघटक के रूप में जलतंत्र में जटिल कार्बनिक पदार्थ अपरद यानी आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इनका सरल पदार्थ में अपघटन का कार्य अपघटक करते हैं। बैक्टीरिया व शैवाल प्रमुख रूप से अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तालाब पारितंत्र होता है वो एक एक्वेरियम मछलीघर के पारितंत्र से कैसे भिन्न है। तो अपन ये कह सकते हैं कि तालाब पारितंत्र है उसका आकार बड़ा होता है। आकार अधिक होने के कारण जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जातियों की विभिन्न प्रकार की जातियों की संख्या अधिक पाई जाती है।
इसके कारण इसमें स्थायित्व अधिक होता है। खाद्य स्तर भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इनमें आत्मनिर्भरता अधिक होती है। अन्य अनेक प्रकार के जीवों को धारण करने की क्षमता होती है और उत्पत्ति जो है के रूप में वे सेल्फ रेगुलेटिंग के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम और एक्वेरियम में किस तरीके से एक दूसरे से समानता है और किस तरीके से भिन्नता है। धन्यवाद।